वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे श्रोतियों नूं मेरे सतंत्र कौर वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी गदरी बाबे कौन सन किताब का तीजा भाग पढ़न जा रहे हाँ। लेखक अजमेर सिंह, पन्ना नंबर 40। प्रश्न। राजविंदर सिंह राही ने अमृतसर टाइम्स विच गदरी बाबियां बारे काफ़ी लेख लिखे सन। उन्हां दा कहना है कि गदरी लहर विच गुरु घरां अते गुरु घरां दे ग्रंथियां दी केंद्री भूमिका रही है। बाबा सोहन सिंह भकना दी आत्मकथा तो भी इस बारे कुछ इशारे मिलते हैं। तुसी इस बारे की कहना चाहोगे? जदों असी गदर लहर ते काम करन लगे तां सानू एह लग्या कि सारी लहर ही गुरद्वारियां तो चल रही है। राही ने इन्हां सारियां गुरद्वारियां दी लिस्ट तैयार कीती। एह लिस्ट अमृतसर टाइम्स विच भी छपी है। ये तां उह गुरद्वारे हन जो रिकॉर्ड विच आ चुके हन। कई अजिहे भी होणगे जिहड़े नहीं आए। झाड़ साहिब अमृतसर दे गुरद्वारे बारे वरियाम सिंह संधु ने एक लेख लिखा है। उस तो पता लगता है कि यह गुरु घर लहर का किन्ना वड्डा केंद्र सी। 30 दे लगभग लिस्ट बनती है ग्रंथी सिंघां दी जिन्ना मूरलियां सफां विच काम कीता ते घट्टो घट्ट 3 गुरद्वारा कमेटियां अजिहियां होणगियां जिहड़ियां बनिया तनिया पार्टी दिया ब्रांचा विच तब्दील हो गई। गुरद्वारियां दी केंद्री भूमिका रही है लहर विच ते इन्हां तो बिना लहर चितवी भी नहीं सी जा सकती। मैं एक मिसाल देंदा हाँ, तुसी वेख लो कि बाबियां दा जीवन की सी, धर्म दा किन्ना जज्बा सी। एक जगराऊ दा मुसलमान सी मौलवी अब्दुल्ला। ओह मनीला तो आया सी गदर करन पर गिरफ्तार हो गया। उनू फांसी दी सजा हुई। ओह जेल विच भाई बलविंदर सिंह खुरदपुर अते भाई करतार सिंह नवा चंद कोल रहा। इना दोहां दी संगत दा मौलवी अब्दुल्ला ते इना असर होया कि उसने आप भी इना वांग पाठ करन दा मन बना लिया। पहला गुरमुखी सिखी ते फिर गुरबाणी दा पाठ शुरू कर दिता। इन्ने चिर नूं फांसी दा दिन आ गया। भाई करतार सिंह दे दसन मुताबक ओह कहन लगा हुण जिंदगी दा लुत्फ आउण लगा सी ते पता लगा सी कि जिंदगी की है। पर हुण जिंदगी ही नहीं रही। भाई साहिब भाई रणधीर सिंह अते उन्हां दे जथे दे कुछ सिंह हजारी बाग बिहार दी जेल विच लम्मा समा बंद रहे। उन्हां अते दूसरे गदरी बाबिया ने जेल नूं एक किस्म दे गुरद्वारे विच ही बदल दिता सी। 24 घंटे उत्थे गुरबाणी दा पाठ अते कीर्तन चलदा रहिंदा सी। इस माहौल दा असर देखो, उत्थे कई बिहारी सिपाही सिंह सजे सन। भाई साहिब भाई रणधीर सिंह दा गदर लहर विच बहुत वड्डा रोल है। प्रश्न। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਹਿਮਾਇਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਕਾਮਰੇਡ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਗਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਰੰਗਵਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਨੂੰ ਤੁਰੇ।
सारा राह हारमोनीयम नाल कीर्तन करदे अते चपई साहिब दा पाठ करदे रहे। उत्थे उन्हां ने गदर दी शुरुआत करनी सी पर मुखबर वल्लों सरकार नूं सारी जानकारी दे दित्ते जाण करके इह कोशिश फेल हो गई। उस तो बाद गिरफ्तारियां होईयां। जेल चिट्ठियां पढ़ के देखो उन्हां नूं किन्ने तसीहे दित्ते गए अते उन्हां ने सब कुछ नूं किन्नी चढ़दी कला विच रह के जरिया। जिहो जिहियां भुख हड़तालां उन्हां नूं जेल अंदर करनियां पईयां उहदी मिसाल शायद ही संसार विच किधरे मिलदी होवे। गदरी तां सब बाहरों आए सन, भारत अंदर उन्हां नूं एक संगठित ग्रुप दे रूप विच सब तो वड्डी हिमायत जे किसे वल्लों मिली तां ओह सिर्फ भाई साहिब भाई रणधीर सिंह अते उन्हां दे जथे वल्लों ही सी। भाई साहिब लगभग 17 साल वख-वख जेलां अंदर बंद रहे। जिस किसी नूं इन्हां तत्थां दा पता है मेरा नहीं ख्याल कि ओह कह सकता है कि धर्म बंदे नूं स्थापती दा हिमायती बना दिंदा है। खब्बी धिर वालियां वल्लों जो कुछ लिखिया जां बोलिया गया है ओह इंडियन नैशनलिज़म दे चौंकड़े ते पैंतड़े तों लिखिया जां बोलिया गया है। इस पैंतड़े वाले लोकां दी लोड़ बन जाती है कि घट गिनती पहचाना नूं जां उन्हां दे धर्मां नूं पासे कर देन जां विगाड़ के पेश करन। जेड़ा गदर लहर दा इतिहास लिखिया गया है ओह खब्बे पक्षियां वल्लों ही लिखिया गया है। उन्हां ने गिण मिथ के ओह गल्लां जिन्हां विच्चों धर्म वाली गल उभरदी सी बिल्कुल ही पासे कर दित्तियां। तुसी हैरान होवोंगे कई गल्लां तां चुका देण वालियां ने बेचैन भी कर दियां ने कि इतनी बेरहमी भी हो सकती है किते। एक मिसाल देंदा हाँ, भाई उधम सिंह कसेल ने जदों ओह जेल विचों भज आए सन अफगानिस्तान विच अपना अड्डा कायम कर लिया सी। ओह रूस अते तुर्की तो हथियार हासिल करके अफगानिस्तान दी सरकार दी मदद नाल पंजाब पहुँचना चाहते सन। उन्हां दे नाल बाबा गुरमुख सिंह ललतो, तेजा सिंह सुतंत्र, वासदेव सिंह वगैरह वगैरह सन। जदों उन्हां दी मौत होई, मौत भी बहुत दुखदाई हुई, लुटेरियां ने लुटन दे मकसद नाल मार दिता। जदों अफगानी लोकां नूं इस घटना दा पता लगा तां उन्हां नूं बहुत दुख होया। जिस थां पुर भाई साहिब दी शहादत हुई सी अफगाना ने उत्थे एक स्मारक बना दिता। भाई साहिब अफगाना विच भी बहुत हरमन प्यारे सन। अफगाना ने ही मुखी कातल दा घर साड़ दिता, उस दे परिवार नूं उत्थों कढ दिता। उस समय किरती परचे विच भाई कसेल नूं जिहड़ियां श्रद्धांजलियां भेट कीतियां गईयां सन उन्हां विच कहा गया सी कि भाई साहिब गुरु घर दे इतने प्रेमी सन कि हर साल खतरा मुल लै के अफगानिस्तान दी सरहद टप के श्री दरबार साहिब अमृतसर दे दर्शन करन जरूर जाया करदे सन। इस तो थोड़ा चिर बाद किरती दे संचालक भाई संतोख सिंह जी अकाल चलाना कर गए। परचा सोहन सिंह जोश दे हाथ आ गया। उही किरती जदों अगले साल उहदी बरसी ते लेख लिख रहा सी तां कह रहा सी कि इह इन्ने देश भगत सन कि हर साल अफगानिस्तान तो आ के मातरी भूमि दी मिट्टी चुमदे सन। हुण तुसी देख लो उही पेपर है, सामने पए तथ्य नूं कितना विगाड़ के पेश कीता गया है। यह कह लो कि धर्म के खिलाफ मना विच नफरत पाई है जिहड़ी बीमारी दी हद तक है कि अजिहे व्यक्तियां दी किसे गल ते यकीन कीता जा सकता है। यह कोई कल्ली कैरी मिसाल नहीं, पूरे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं इस मसले ते। प्रश्न, तुसी बड़े इतिहासिक तथ्यां नाल यह दावा करते हो कि गदर लहर दी जेड़ी लीडरशिप सी उस विच वड्डी बहुगिनती सिखी विचारधारा वालियां दी सी। बाबा ज्वाला सिंह सन, बाबा निधान सिंह चुग्गा सन, भाई बलवंत सिंह खुरदपुर सन, भाई भाग सिंह भिखीविंड सन आदि आदि।
पर इस सब कुछ के बावजूद श्री अकाल तख्त साहिब तो गदरी बाबयां दे खिलाफ हुक्मनामा जारी होया, इस दा की कारण सी? उत्तर: एक तां यह स्पष्ट कर देना चाहुंदा हां कि कोई हुक्मनामा जारी नहीं होया। हुक्मनामे दा यह शब्द गलत प्रचलित हो गया। यह खब्बिया ने कीता। हर चीज़ नूं हुक्मनामा कह देना ठीक नहीं हुंदा। हुक्मनामा की हुंदा है, किवें हुंदा है, इन्हां नूं कुछ पता नहीं। उस समय श्री दरबार साहिब अंग्रेजां दे कब्जे हेठ सी। अरूड़ सिंह उन्हां वल्लों इस दा थापिया होया सरबराह सी। जे ओह कामागाटा मारू दे मुसाफरां बारे कोई प्रचार करदा है तां ओह श्री अकाल तख्त साहिब दा हुक्मनामा नहीं बन जांदा। प्रश्न: पिछले दो कु सालां दौरान लाला लाजपत राय अते लाला हरदयाल बारे राजविंदर सिंह राही दे कुछ लेख इत्थे अमरीका दे कुछ परचियां विच पढ़न नूं मिले हन। किसी ने भी उस दी गल नूं कट्टिया नहीं। इस तों बाद की असीं इह नहीं कह सकदे कि जो कुछ असीं लालियां बारे हाई स्कूल दीआं किताबां विच पढ़दे रहे हाँ जां अज वी पढ़ाया जा रहा है सिद्धा झूठ है। उत्तर: सानू भी यही सी कि लाला हरदयाल ही लहर दा असल लीडर सी। उही साड़ी लहर दा दिमाग सी। किताबां विच राष्ट्रवादियां अते खबियां ने यह तथ स्थापित कर दिता है, पक्का बना दिता है। पर जदों लहर बारे घोख करनी शुरू की, खास करके राही ने सारा देखिया, सारियां लिखतां फरोलियां, तां विचों यह निकलिया कि वह तो सिर्फ 5 महीने ही लहर दे नाल रहा। इन्हां 5 महीनों के काम नूं ही यह बना दिता गया कि लहर दे सारे विचार उदे ही सन। बाबे तां उस तों पहलां ही विचार बनाई बैठे सन। उन्हां नूं अखबार चालू करन वास्ते एक पढ़िया लिखिया बंदा चाहिदा सी जो संपादक दा काम दे सके। बाबा सोहन सिंह भकना दी राम कहानी पढ़ के देखो, इस नूं किवें पार्टी विच लिआंदा गया। जदों इस नूं पार्टी विच लिआंदा जा रहा सी, उत्थे लाहौर वाला परमानंद भी मौजूद सी। उसने मूँह ते ही कह दिता सी कि तुसी इस नूं लै तां चले हो, पर इहदा कोई पता नहीं कदों सब दा साथ छड के भज जावे। उही गल होई। अमरीकी सरकार ने माड़ा मोटा केस बनाउण दी कोशिश कीती तां इह स्विट्जरलैंड चले गए, फिर जर्मनी, तुर्की ते स्वीडन। इस अरसे दौरान उसने गदर पार्टी नालों संबंध तोड़ लए। स्वीडन विच रहिंदिआं उसने जर्मनी अते तुर्की विच 44 महीने नां दी जिहड़ी किताब लिखी, उस विच अंग्रेजी साम्राज दे इन्ने सोले गाए कि पढ़ के कचियाण आउंदी है। इसे समय उस अंदरला हिंदू खुल के बोलिया, उस दीआं लिखतां विचों हिंदू राष्ट्रवाद दी झलक स्पष्ट देखी जा सकती है। लाला हरदयाल बारे बहुत झूठ बोलिया गया कि ओह ही लहर दा हीरो सी। किस नूं हीरो स्थापित करना है अते किस नूं नहीं करना, इस दे फैसले इन्हां ने अपने इंडियन नैशनलिज्म दे मनोरथ नूं सामने रख के कीते हन। इतिहास नाल अजिहा अनाचार बहुत होया है। इह सारे वल कढ़न वाले हन। सिखां नूं इकल्ला फिजिकली नहीं मारिया गया। सानू सिर्फ यह दिख जाता है कि 50,000 मार दिते गए, 60,000 मार दिते गए, कल्ला गोली नाल नहीं मारिया जा रहा। साडा सारा इतिहास, साडी सारी विरासत खत्म कीती जा रही है। गदर पार्टी वाले सारे सिखी रंग विच रंगे हुए सन। उन्हां सारा जीवन सिखी ते खड़ के बतीत कीता। पर एक होर गड़बड़ कर दिती गई है। कह रहे हन कि एक बाबे पहले पोचदे ने ते एक दूजे पोचदे। दूजे पोचदे किरती पार्टियां वाले नूं कह रहे ने। किरती पार्टी वालियां नूं गदरी बाबे कहना टैक्निकली ठीक नहीं। बाबा भगत सिंह बिलगा नूं इन्हां ने काफ़ी उभारिया है आइकन दे तौर ते। पर भगत सिंह बिलगा गदरी नहीं सी। उसने किसी भी गदर विच हिस्सा नहीं लिया। ओह किरती सी। किरती पार्टी बाद विच होंद विच आई। यह ठीक है कि बाबे बिलगे दी किरती पार्टी विच काफ़ी घालना है, वड्डी कुर्बानी है, जिस दा सतिकार भी करना बनता है।
पर इस नाल ओह गदरी तां नहीं बन जांदा। बाबा बूझा सिंह भी गदरी नहीं सी, ओह भी किरती पार्टी दे विच ही आया। सो ए बखरेवा ना करन, हर एक दे मूरे गदरी ला देना, असली गदरियां नू पासे कर देना। इस किस्म दियां बड़ियां शरारतां होईयां हन। प्रश्न, तुसा बाबे भगत सिंह बिलगे दा नाम लिया है। मैं उन्हां दी एक किताब पढ़ रहा सी जिस विच एक जगह उन्होंने लिखा है कि कम्यूनिस्ट पार्टी वाले गदरी बाबिया नू अनपढ़ अते बौद्धिक पक्षों पछड़े हुए कहा करते सन। तुसी इस बारे की कहना चाहोगे? उत्तर, यह जेड़ी गल बाबे बिलगे ने लिखी है कम्यूनिस्ट पार्टी वाले गदरी बाबिया नू अनपढ़ अते बौद्धिक पक्षों पछड़े कहिंदे हुंदे सन, यह बहुत ही आम परसैप्शन बन गई है। असल नुकता पढ़ाई प्रति साढ़े नज़रिए दा है। असी पढ़ाई नू की लेंदे हाँ? बहुते लोग पढ़ाई नू सिर्फ दुनियावी विद्या वजों ही लेंदे हन। ओह देखदे हन कि किसी ने यूनिवर्सिटी तो केड़ी डिग्री लही हुई है, पर असल विच जे असी देखिए तां साड़ी परंपरा विच दुनियावी पढ़ाई दा एक पक्ष है जेड़ा मनुख आत्मिक तौर ते जागया है। हकीकत विच ओह ही पढ़िया है। दुनियावी पढ़ाई दियां बड़ियां सीमताइयां ने। तुसी वड्डे वड्डे पढ़िया नू देखो, उन्हां दा किरदार देखो, इतिहास दे विच उन्हां दा रोल देखो, पर इस दे मुकाबले विच बिल्कुल अनपढ़ बंदा भावें ओह भेडां बकरियां विचारदा होवे, जे ओह आत्मिक तौर ते जागिया होया है तां मैं समझदा हाँ कि ओह विद्वान है। बाबियां बारे जेड़ा इह अनपढ़ अते बौद्धिक तौर ते पछड़े होण दा विचार है, इह शहीद भगत सिंह दा वी विचार सी। कल्ले शहीद भगत सिंह दा ही नहीं, जिवें मैं पहलां कह चुका हाँ, इह आम ही परसैप्शन बन चुकी है। मेरे मुताबक भाई संतोख सिंह जी नू तुसी किसी भी पक्षों नहीं कह सकते कि ओह घट विद्वान सन। ओह बहुत ही जीनियस किस्म के व्यक्ति सन। बाबियां विच भाई संतोख सिंह वर्गे दूर दृष्टि वाले, बाबा सोहन सिंह पकना ते बाबा ज्वाला सिंह वर्गे कर्मयोगी, बाबा विसाखा सिंह वर्गे धर्मचारी शामिल सन। करतार सिंह सराभा बहुत ही निपुण सी, सियासी सूझ उन्हां जिन्नी किसी विच नहीं सी। इस ते कई घंटे गल हो सकती है। तुसी एक लाइन पढ़ो गदरी बाबियां दी। एक तां किताबां कहानी दे तौर ते पढ़नियां हुंदियां ने। जेड़े बंदे दा जिंदगी विच किसी संघर्ष दा अनुभव है, जदों ओह बाबियां नू पढ़ेगा तां हर लाइन दे होर अर्थ होर पक्ष सामने आउणगे। मैं अज फिर बाबे भकणे दी राम कहानी खोल के देखी है। मैनू लग रहा है कि असी तां उन्हां दे मुकाबले कुछ भी नहीं सी। जिन्नी सूझ उन्हां विच सी, सियासी सूझ, उस दे हिसाब नाल साडे जिहड़े विद्वान लोग ने उन्हां दे सामने बिल्कुल ही अनपढ़ नज़र आउंदे ने। प्रश्न, तुहाडे मुताबक गदरी बाबे विचारधारक तौर ते किन्ने कु स्पष्ट सन? उन्हां नू निशाना किन्ना कु साफ सी? उत्तर, गदरी सूरमे तर्कशील विचारां नालों वध अपने जज्बे अते अंतर प्रेरणा दे आसरे लड़े सन। उन्हां दा फौरी निशाना बस्तीवादी राज नू खत्म करना सी। दुश्मन सांझा सी, हर एक वर्ग अपनी अपनी आजादी वास्ते लड़ रहा सी। उस वेले चिंतन यह होना चाहिदा सी कि देश की आजादी विच्चों सानू की मिलेगा। जिवें डॉक्टर भीम राव अंबेदकर सन, जदों भी किते गांधी जां किसी भी होर नैशनलिस्ट आगू नाल उन्हां दी गलबात हुंदी तां ओह सीधा पुछदे कि सानू यह समझा दिओ कि आजादी विच्चों सानू की मिलेगा। जदों साडी तसली करवा दोगे, असी तुहाडे नाल चल पवांगे। जिहड़ा तुसी अजे तक भविख नक्शा पेश कीता है, उस विच तां साडे लई कुछ भी नहीं। ताकत तां तुहाडे हथ विच आ जावेगी। आजादी दी लहर समय सिखां अंदर इस पाए दी चेतना नहीं सी। गदर लहर वेले भी नहीं सी, पर जिहड़े बाबे सन ओह इन्ने भी अणजाण नहीं सन। जिवें जदों झंडा बनाउण दी गल आई तां उन्हां ने बकायदा
यकीनी बनाया कि इस विच साडा रंग होवे। एक पूरा प्रोग्राम ते नक्शा तैयार करना चाहिदा सी कि आजादी तो बाद देश दा सारा ढांचा की होवेगा। उन्हां दे मन विच पक्का सी कि असी सिखां वास्ते आजादी लैनी है, पर ओह किसे लिखत जां दस्तावेज दी शकल विच नहीं आ सकिया। जेड़ियां सारियां गल्लां असी अज कर रहे हां ओह पिछले तो सीखण दा मामला ही है। इस तो भी सीखिए ते जेड़ा संघर्ष असी हुण लड़के हटे हां जां चल रहा है उस तो भी सीखिए। जो भी कमियां पेशियां ने उन्हां नूं मन्नीए ते दूर करिए। अजिहा करदियां ही असी अजोकी कमजोरी अते बेवसी वाली हालत विच्चों निकल के शक्तिशाली बन सकते हाँ। प्रश्न आखिरी सवाल, अज दा जेड़ा भारत है जिस नूं दुनिया की सब तो वड्डी जमहूरीयत कहा जाता है, कि गदरी बाबियां दा यही सुपना सी? उत्तर नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने बीते ते कई बार झात मारता हाँ कि मैं इनकलाब दे राह ते किवें तुरिया। जिवें पहला दस के आया हाँ कि जदों असी लुधियाने इंजीनियरिंग कॉलेज विच पढ़दे सी तां असी जिहड़ा सब तो पहला सियासी फंक्शन कीता उस दी प्रधानगी बाबा भकना ने कीती सी। उत्थे जदों उन्होंने कहा कि यह जिस नूं असी आजादी कहिंदे हाँ यह वह आजादी नहीं जिस वास्ते असी जूझे सी, ते जदों उन्हां दे मूहों ये गल सुनी तां मन अंदर वड्डा सवाल खड़ा हो गया। अगले साल 23 मार्च 1968 नूं असी कॉलेज विच ही शहीद भगत सिंह अते साथियां दा शहीदी दिन मनाया। उत्थे पंडित किशोरी लाल जो शहीद भगत सिंह दे साथी सन जिन्हां नूं उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई सी वह भी उत्थे सन। उन्हां भी यही गल कही कि यह वह आजादी नहीं जिस दे वास्ते शहीद भगत सिंह वर्गियां ने जाना दित्तियां सन। यही गल्लां बाबा गुरमुख सिंह ललतो बार बार कहिंदे हुंदे सन। जिस किसी भी बाबे नूं मिलना जदों बाबियां दे मूहों यह गल्लां सुनियां तां साडे मनां ते बहुत असर होया। पहला असी भी समझते सी कि देश आजाद है, उत्थों ही साडे मनां विच यह गल आई कि देश आजाद नहीं ते कुर्बानियां अजाई गईयां हन, तां फिर इस नूं आजाद करवाउण लई लड़िया जावे। सो उदों असी देश नूं जगीरदारां अजारेदारां ते नव बस्तीवादी ताकतां तों आजाद करवाउण भाव इनकलाब वास्ते जूझण लई तैयार हो गए। पर जदों जून 1984 विच देखिया कि देश अंदर सिख धर्म की होंद ही खतरे विच आई पई है, तां फिर लग्या कि सब तो पहला काम देश की आजादी अते धर्म की रक्षा का की संबंध जुड़ता है इस नूं पड़तालिया जावे। उस विच्चों जो करतव बनते हैं जो कार्ज निकलते हैं उस मुताबिक काम किया जावे। यह तां मेरा ख्याल है कि जिस आजादी वास्ते बाबे जूझे सन मौजूदा आजादी वह नहीं है। इस विच तां सिर्फ सियासी ताकत का ही कुछ लैण देण होया है। आजादी संग्राम की मुख धारा वालियां दा मकसद भी इन्ना कु ही सी। उन्हां लई रौला सिर्फ ताकत दा ही सी। वह चाहते सन कि किसी न किसी तरह सियासी ताकत उन्हां दे हाथ आ जावे। जदों कुछ मुसलमान आगू सिख आगुआं नूं यह कह रहे सन कि तुसी अजे इन्हां नूं देखिया नहीं, तुसी इन्हां नूं गुलामां दे तौर ते ही देखिया है, जदों इन्हां दे हाथ सियासी ताकत आ गई उदों इन्हां दा असली रूप वेखणा। उदों यह गल बुझनी काफ़ी औखी सी। जदों 1947 विच इन्हां दे हाथ ताकत आई तां सिखां दे कुछ कु हिस्सियां नूं ही सोझी आई, बहुतियां नूं नहीं आई। श्री दरबार साहिब ते हमला होया, जिन्हां नूं उदों नहीं सी आई उन्हां नूं हुण आ गई। फिर नवंबर 1984 दा सिख कतलाम होया। उस तो बाद होर भी जिन्ने जुल्म होए ओह पड़ा दर पड़ा अखां खोलदे गए। अजे भी बहुत लोगों दियां अखां बंद ने। अपना कार्ज ही यह है जो गदरी बाबियां दी याद विच समागम कर रहे हाँ। जिन्हां दियां अखां अजे भी बंद ने वह भी खोलियां जाण। धन्यवाद। गदर पार्टी लहर अते राष्ट्रीय प्रवचन। इतिहासकारां नूं उन्हां कारणां दा बरीक ज्ञान होना चाहिदा है जिहड़े किसे तत्थ दी शुद्ध असलीयत नूं समें दे
ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਵਿਗੜ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਆਗੋ ਫਿਤਰਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਤੱਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਬੇਵਫਾਈ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਵੀ ਰਹੋ। ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਿਖਤਾਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਵਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕੂਲਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਠੋਸ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਤ ਅਧਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ਾਰਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਦਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਚੇਚੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਦਰੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਜ਼ਾਰਾ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੱਸ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੂਰੀ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਆਮ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗਦਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਮੂਲ ਸੋਮਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥੀ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਨਦਾਨੀ 'ਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਰੜਕਵੀਂ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਗੱਲ ਗਦਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਸਿੱਖ ਗਦਰੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਭੁਲਾਉਣ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ 100 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਗੂੜਾ ਮੁਲੰਮਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਛਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜਚੋਲਵੀਂ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਖਾਸੇ ਅਤੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਾਜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਸ ਲਸਾਨੀ ਅਤੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਠੁੱਕ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਮੁੱਚਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਸੰਕਲਪ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਦਿ ਦਾ ਗੂੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ।
इस मसले विच चेते रखण वाला बुनियादी सच यह है कि बरतानिया ते भारत दरम्यान होया अंतरकर्म दो महान त्रेड रहत वजूदा विचकार होई इकहरी मुठभेड़ नहीं। यह एक इकहरी सर्ब हिंद गाथा नहीं, रवायती राष्ट्रवादी इतिहास विच इस नूं जिस तरह दर्शाया गया है यह कई सारिया स्थानक खेतरी तवारीखा जो एक दूजे तो निखड़वियां भी हैं ते अंतर संबंधी भी हैं दी बहुलड़ी विवारता है। भारत की आजादी की लड़ाई के इतिहास में राष्ट्रवादी अंदोलन के एक रंगे सिरनावे हेठ सही रूप विच नहीं समझा जा सकता। सर्ब हिंद राष्ट्रवादी अंदोलन दे नालों नाल कई सारियां ते कई किस्म दियां होर समाजी ते राजसी लहरां चल रहियां सन जिन्हां दे वहन कई बार राष्ट्रवादी धारा नाल टकराव विच आउंदे रहे। इस तरह यह वर्तारा गुंझलदार है जिस नूं इकहरी दृष्टि नाल नहीं समझिया नजिठिया जा सकता। इस नूं समझण लई इतिहासकारी दा समाज शास्त्र नाल संजोग करना जरूरी है। समाज शास्त्र दे झरोखे राही देखिया भारत अंदर राष्ट्रवाद दी जो तस्वीर उगड़दी है वह रवायती इतिहास दी तस्वीर नालों बहुत वक्री है। देशभक्ति ते राष्ट्रवाद विचकार सिद्धांतक वखरेवां। कौमांतरी पद्धर ते ही विद्वाना अंदर दो तत्थां बारे लगभग आम सहमति बन चुकी है। एक यह है कि राष्ट्रवाद का आधुनिक संकल्प पहल प्रथमे 17वीं सदी विच पछमी यूरप अंदर पैदा होया सी। यह ज्ञानवादी लहर की संतान सी। दूजा यह कि इसका पूर्व के मुल्कां अंदर दाखला बाद विच जाके बस्तीवाद के वर्तारे नाल जुड़ के होया। सो भारत अंदर राष्ट्रवाद के विचार का जन्म बरतानवी बस्तीवाद के प्रभाव हेठ ते इस दी सर्वभ्याली नाल 19वीं सदी के पहले अद विच होया सी। इस दा भाव यह नहीं कि इस तो पहला लोग अपनी जन्म भूमि जां अपने देश नूं प्यार नहीं करदे सन। अपनी जन्म भूमि नाल प्यार दा जज्बा आदि अनादि है। इस दे वास्ते लोग प्राचीन वेलियां तो ही लड़दे ते लहू डोलदे रहे हन, पर पहले समयां विच देश दा तसव्वर बहुत धुंधला सी। देश दियां हद्दां बहुत निश्चित ते स्थिर नहीं सी हुंदियां। यह राजां दी सैनिक शक्ति ते होरना तत्थां दे प्रभाव हेठ फैलदियां सुंगड़दियां रहिंदियां सन। देशां दियां पक्कियां निश्चित खेतरी हदबंदियां राष्ट्रवाद दे आधुनिक संकल्प दी देन हन। सो आधुनिक राष्ट्रवाद अपनी जन्मभूमि नाल प्यार दे आदि अनादि ते अणघड़े जज्बे नालों वध के एक नवीन विचारधारा है जिस विच भूगोलिक सांझ नालों सभ्याचारक एकरूपता इको सांझे राज दी परजा होण दी इतफाकियां सांझ नालों इतिहास दे लम्मे ते गाढ़े अमल दी पक्की गूढ़ी सांझ ते रंग रूप ते मुहांदरे दी बारी समानता नालों अंतरीव मानसिक ते रूहानी सांझा नूं वधेरे अहम मन्या जांदा है। यह विचारधारा सभ्याचारक विलखणतावां नूं तिरस्कार दी दृष्टि नाल देखदी है ते एक देश एक कौम की धारणा उत्ते आधारित नेशन स्टेट सिरजन का राजसी एजेंडा ते मंजल मिथदी है। इस तरीके नाल यह विचारधारा लोकां ते भाईचारियां दी सभ्याचारक हस्ती नूं मलियामेट करन दी विनाशकारी प्रवृत्ति रखदी है अते आम रूप विच ही व्यक्तियां अंदर सभ्याचार प्रति बेरुखी ते बेतरसी दे भाव उपजदी है। राष्ट्रवाद दी आधुनिक विचारधारा धर्म निरपक्षता नूं उचितता दे आदर माण बख्शदी है अते धर्म प्रति तुअसव पैदा करदी है। भारतीय राष्ट्रवाद एक पूर्ववादी घाड़त। बरतानवी बस्तीवादी राज दी स्थापना तो पहला इतिहास विच कदे भी समुचा भारत इको सांझे राज दी छतर छाया हेठ नहीं आया सी।
समुचा उपमहाद्वीप अनेक वड्डे छोटे स्वतंत्र सम्राट शाही राजां विच वंडिया होया सी, जेडे आपस विच लगातार लड़दे झगड़दे रहिंदे सन। इस करके समुचे उपमहाद्वीप दे लोकां ने कदे भी अपने आप नूं इक सांझे देश दे वासी नहीं समझिया सी। हर खेतर दे लोकां दे मनां अंदर देश दा तसव्वर वखरा वखरा सी। भारत तों मुराद कदे भी समुचा उपमहाद्वीप नहीं सी। बस्तीवादी राज दी स्थापना तों बाद ही भारत दे स्वर्ण जाति हिंदू वर्गां अंदर उत्तर विच हिंदू कुश तों लै के दक्षण विच कन्याकुमारी तक फैले समुचे भूखंड नूं अपना जद्दी पुश्ती घर चितवन अते इस उत्ते अपनी पुश्तैनी मालकी दा दावा जताउण दी सोच ते भावना प्रफुल्लित होनी शुरू होई सी। बस्तीवादी हाकमां ने अपने ढंग नाल अपने ही हितां दे अनुकूल इस सोच नूं प्रफुल्लित करन विच अहम योगदान पाया। भारत अंदर बस्तीवादी राज नूं पक्के पैरी करन लई बरतानवी हाकमां सामने भारत दे रवायती समाजां ते भाईचारियां बारे प्रमाणिक ज्ञान हासिल करन दी विहारिक लोड़ पैदा हो गई सी। उन्हां सामने सब नालों प्रमुख अते गुंझलदार समस्या भारत दे सभ्याचार च जां सभ्याचारां नूं समझना अते इस दी सभ्याचारक हस्ती नूं प्रभाषित करना सी। भारत बारे दो अंतर विरोधी गल्लां ने उन्हां नूं बहुत ही हैरानी ते उलझना विच पाया। उन्हां देखिया कि महाद्वीप दे आकार वाले इस भूखंड दे सारे लोकां दा ना तां प्रतख रूप विच धर्म इक है, ना भाषा एक है, ते ना ही नसल अथवा जाति केवल एक है। सभ्याचारक ते नस्ली वखरेव्यां पक्खों भारत दी तस्वीर यूरपी महाद्वीप नाल ही मिलदी जुलदी सी, जां हकीकत विच यूरप नालों भी वध उलझमी सी। पर इन्ने सारे उगड़वें वखरेव्यां दे हुंदियां भी भारत दे लोक इतिहासिक तौर ते फिर भी इकट्ठे किवें रह सके? ओह आपस विच लड़पिड़ के एक दूजे दे जानी दुश्मन बनन तों किवें बचे रहे? इह सवाल बरतानवी हाकमां ते यूरपी विद्वानां लई हैरानी ते उलझना खड़ी करदे सन। ओह सारे मसले नूं अपने यूरप दे अनुभव राही देखदे सन, इस करके उन्हां नूं भारत दे लोकां दा इन्ने उगड़वें वखरेव्यां दे बावजूद सदियां तक मुकाबलतन शांति ते भाईचारा बनाई रखन दा तत्थ बेहद अड़ौणी भरिया जापिया। उन्हां ने इस अलोकारे वरतारे दी सतह हेठ काम करदी अंतरीव शक्ति नूं जानना चाहिया। उन्हां दी इस जग्यासा ने उन्हां अंदर हिंदू धर्म बारे डूंगी खोज ते जानकारी हासिल करन दी उतेजना पैदा कर दित्ती, क्योंकि ज़्यादा तौर ते हिंदू धर्म ही भारत दा सब तो पुराना ते पैरोकारां दी गिनती दे लिहाज नाल सब तो वड्डा धर्म है। राजसी सत्ता किसे कोल भी होवे समाजिक खेतर अंदर ब्राह्मणवाद दा ही दबदबा बनिया रहिंदा है। इस करके बस्तीवादी हाकमां अंदर आरंभ विच ही भारतीय समाज अंदर दिखाई दे रहे एकता दे भाव दा सेरा हिंदू धर्म नूं देण दा मानसिक झुका पैदा हो गया सी। इस्लाम धर्म पछमी विद्वानां नाल बहुता ओपरा नहीं सी। जिहादी जंगां दे अनुभव विच्चों इस्लाम बारे उन्हां दी पहलां ही एक निश्चित राय बन चुकी हुई सी। वैसे भी बरतानिया ने भारत अंदर मुस्लिम हुकमराना कोलों सत्ता हथियाई सी, इस करके ओह हिंदू धर्म दे मुकाबले इस्लाम प्रति उदार दिल नहीं हो सकते सन। इस तरह बरतानवी अधिकारियां ते पछमी विद्वानां ने हिंदू धर्म प्रति तरफदारी दे मनोभावां दे तहत हिंदू धर्म शास्त्रां दे अध्ययन विच उचेची रुचि प्रगटाई। इह शास्त्र संस्कृत भाषा विच लिखे होण करके पछमी विद्वानां नूं पंडतां दा सहयोग लैणा पिया। ब्राह्मण वर्ग ने संस्कृत उत्ते अपनी अजारेदारी दे जरिए ज्ञान उत्ते अजारेदारी कायम कीती होई सी। भारत अंदर बस्तीवाद दी सेवा निभा रहे ज़्यादातर अंग्रेज विद्वान ते प्रशंसक अपनी ट्रेनिंग सदका साहित्यक रुझान रखदे सन।
इस करके उन्होंने भारतीय सभ्याचार नूं जानन समझन लई हिंदू धर्म ग्रंथां नूं कुंजीवत स्रोत मन लैन दी पहुँच अपना ली। उन्होंने पंडितां दी मदद नाल धर्म ग्रंथां नूं अंग्रेजी विच उलथाउण दा महाकारज आरंभिया। यह दसन की लोड़ नहीं कि संस्कृत विच रचे धर्म ग्रंथ ब्राह्मण वर्ग के संसार नज़रिए की तर्जमानी करते हैं। इन्हां ग्रंथां विच दर्ज ज्ञान के आधार पर यूरपी विद्वानों ने भारत बारे बुनियाद रूपी धारणावां सिरजियां जिहड़ियां भारत बारे सिरजे गए बस्तीवादी इलम की बुनियाद बनिया। यूरपी विद्वानों वालों संस्कृत प्रधानी धर्म शास्त्रां नूं हिंदू धर्म का प्रमाणिक सोमा ते आधार मन लिया गया। वैदिक ते ब्राह्मणवादी ग्रंथां ते अमलां नूं हिंदू धर्म का केंद्री तत् तसवर कर लिया। बस्तीवादी हाकमां ते पछमी विद्वानों ने यह गलत मनौत बना ली कि भारत के सारे मूल बछिंदे ब्राह्मण होण जां अछूत बौद्धी जैनी होण जां सिख ते जां आदिवासी कबीले सारे ब्राह्मणवादी धर्म शास्त्रां विच बराबर निष्ठा रखते हैं। उन्होंने यह तसवर कर लिया कि भारत अंदर उन्हां दा वाह एक गठवें धर्म नाल पै रहा सी, ना कि वन सवन्नियां धार्मिक परंपरावां नाल। ईसाई परंपरा विच वाहद सच का मुकम्मल दावा समाज उत्ते गालिब शक्तिवर चर्च की होंद ते इस दी होरना मतां फिरकियां नाल टक्कर ने पछमी विद्वानां नूं हिंदू धर्म बारे इस समझ नूं प्रवानित कीता। इस विचों भारत की सतह हेठली धार्मिक ते सभ्याचारक एकता की धारणा विकसित हो गई। उन्होंने हिंदू धर्म नूं एकता का सूत्र तसवर कर लिया, जदों की हकीकत विच यह समाज अंदर वंडियां ते बखेड़े पैदा करता है। बस्तीवाद के मुढ़ले दौर अंदर यूरपी विद्वानों ने हिंदू धर्म ग्रंथां ते इन्हां दे भाषाई गुणा तत्तां दा उच्ची सुर विच गुणगान किया। उन्होंने भारत का एक रोमांचकारी अक्स सिरजिया, उदात रूहानियत ते वेदां उपनिषदां दे प्रताप वाला भारत अते नायकां दीयां वीर कथावां दी भूमि। वैदिक काल नूं भारत दा सुनहरी युग कह के वडियाया गया ते इस दे बाद विच जा के मलेशां दे हमलियां सदका पतन हो जाण दी तुसबी धारणा सिरजी ते प्रचारी गई। बरतानवी हाकमां ते यूरपी विद्वानां द्वारा भारत बारे सिरजियां गईयां ए धारणावां दोनों यूरपी ते भारतीय कुलीन वर्गां दे हितां दे अनुकूल सन। इस नाल एक पासे भारत अंदर बस्तीवादी राज नूं वाजबियत मिलदी सी। बरतानवियां ने हिंदुआं नूं इह गल जचा दित्ती कि उन्हां ने हिंदू समाज दी मुसलमानां दे गलबे ते अत्याचारां तों बंद खलासी करवाई सी। दूजे पासे इस नाल भारतीय समाज अंदर रिवायती उच्च जाति हिंदू वर्ग की चौधर जकड़ सुरक्षित हुंदी सी। जात पाती प्रबंध ते ब्राह्मणवादी फलसफा बस्तीवादी हाकमां दे हित पूरदा सी। उन्हां लई इह आम जनता नूं पाड़ के ते दबा के रखण दा बहुत ही कारगर संद नज़र आया। इस दे नाल ही इन्हां पूर्ववादी घाड़तां नाल ब्राह्मणवाद नूं नवां जीवन मिलिया। इस नाल ब्राह्मण वर्ग के गौरव विच होर वाधा होया। ब्राह्मण वर्ग के आगुआं वल्लों इह खुल्लेआम कहा जाण लगा कि बरतानवी कौम की आमद विचों सानू चिरां तों विछोड़े चचेरे भरावां दा मुड़ मिलाप होया नज़र आउंदा है। इस दे नतीजे वजों ब्राह्मण वर्ग अंदर अपने आप नूं दूसरिआं नालों उत्तम समझण की हंकार भावना होर प्रचंड हो गई। भारतीय समाज के नीवें समझे जाते वर्गों उत्ते गलबे नूं सिद्धांतक ते नैतिक वाजबियत मिल गई। इस नाल ब्राह्मण अते उस दियां सहयोगी सवर्ण जातियां अंदर अपने आप नूं भारतीय समाज के कुदरती आगू समझण की भावना नूं नवां बल मिलिया। सो इन्हां कारणां करके हिंदू कुलीन वर्ग ने हिंदू धर्म की इस पूर्ववादी व्याख्या नाल
पूर्ण सहमति जताई। अपनी कौमी पछाण लई तरलो मच्छी हो रहे हिंदू वर्ग नूं भारत दी धार्मिक ते सभ्याचारक एकता दी धारना पुज के पसंद आई ते रास आई। ओह इस नाल गद गद हो उठे अते बरतानवी हाकमां दा लख लख शुकर करन लगे। बरतानवी विद्वानां नूं पंडतां प्रोहतां दे रूप विच बेहद उपयोगी ते आग्याकारी सुदेशी कुलीन कोड़मा नसीब हो गया। इस तरह विदेशी ते सुदेशी कुलीन वर्गां दी सांझी भ्याली नाल हिंदूवाद दी सिलसिलेबद्ध व्याख्या कीती गई। इस नूं परिभाषित किया गया ते इस दा भारत अंदरलियां होरना धार्मिक परंपरावां दे संबंध विच खुलेआम पक्ष पूरिया गया। ज़ारा तौर ते हिंदूवाद दी इह बस्तीवादी घाड़त बहुवादी नहीं सी। इह ब्राह्मणवाद दी मूल खसलत मुताबक इकवादी सी ते भारत दियां हिंदूवाद नालों अडरियां धार्मिक परंपरावां दी सुतंत्र हस्ती दा निखेद करदी सी। इस करके इह अंतम तौर ते भारत दी सभ्याचारक अनेकता नूं संभालन ते प्रफुल्लित करन दी थावें इस नूं घाड़ पहुंचाउण दा सबब ते साधन हो निबड़ी। बस्तीवादी प्रवचन अंदर इंडिया ते हिंदू सम अर्थी बन गए। भारतीय सभ्यता भारतीय संस्कृति भारतीय धार्मिक परंपरावां आदि टर्मां हिंदू तत् ग्रहण कर गई। मिसाल वजो 1792 विच बनारस विखे तैनात जो नाथन डंकन नां दे ब्रिटिश रेजिडेंट ने बनारस विखे हिंदू कॉलेज जां अकैडमी स्थापित कीते जाण दी सिफारिश इह कहिंदिआं कीती सी कि इस नाल इस राष्ट्र दे कानूना साहित ते धर्म दी इस दे नाल ही धर्म दे इस केंद्र ने इन्हां दे सभना फिरकियां कबीलियां दी इक सांझी तफरीगा विच सेवा संभाल ते पालना हो सकेगी। इस चों दो गल्लां भली भांत स्पष्ट हो जांदियां हन। इक इह कि बरतानवी अधिकारी हिंदू धर्म नूं भारत दे इक जां बहुगिनती वर्ग दा धर्म नहीं सगों समुचे राष्ट्र दा सर्व सांझा धर्म मन के चल रहे सन। इसे ही तरह उह बनारस नूं हिंदू धर्म दे धर्म दा केंद्र नहीं सगों सारे राष्ट्र दे सांझे धर्म दा केंद्र अते भारत दे सभना फिरकियां कबीलियां दी सांझी तफरीगा मन के चल रहे सन। बस्तीवादी हाकमां ते पछमी विद्वानां दी भारत बारे बनी इह धारणा ही बाद विच जा के सर्वसांझी भारतीय कौम दे संकल्प दी सिधांतक बुनियाद बनी। 19वीं सदी तों आरंभ होए राष्ट्रवादी प्रवचन अंदर इस धारणा नूं वार वार दोहराया ते दृढ़ाया गया। हिंदू कौन है ते हिंदूवाद की है इन्हां दो जुड़वें सवालों बारे सारे अरसे दौरान लगातार गाढ़ी चर्चा हुंदी रही। इन्हां दी वार वार परिभाषा दित्ती गई अते मुड़ मुड़ व्याख्या कीती गई। इस तरह इस अमल दे जरिए आधुनिक राजसी हिंदू ते हिंदूवाद दी सिरजना कीती गई। इन्हां दे हवाले नाल कौम ते राष्ट्रवाद दी परिभाषा ते व्याख्या कीती गई। लगभग पूरी एक सदी राष्ट्रवाद दा इह प्रवचन निर्विघन चलिया अते इस विच कोई इतफाकी गल नहीं सी कि सारे प्रवचनकर्ता उच्च जातियां नाल संबंधित सन। ज़्यादातर ब्राह्मण जां फिर खत्री बाणिए जां राजपूत आदि सन। आजादी तो बाद भारत दे स्वर्ण जाति हिंदू हाकम वर्गां ने इस धारणा नूं भारतीय संविधान की धारा 25(2)(b) दे रूप विच कानूनी रुतबा प्रदान कर दिता जिस अनुसार बोधियां जैनियां ते सिखां नूं विशाल हिंदू धर्म दे ही लागू अंग करार दे के उन्हां दी सुतंत्र हस्ती नकार दिती गई। असल विच हिंदू राष्ट्रवादियों के मना अंदर शुरू तो ही भारतीय पछाण की एक एक वचनी भाषा मड़न की तमन्ना उसलवटे लेंदी रही सी। इस मंतव लई उन्हां नूं हमेशा ही एक मजबूत केंद्र प्रधान राज की लोड़ महसूस की जिन्हों असरदार संद वजों वरत्या जा सके। भारत अंदर बस्तीवादी राज के खात्मे उपरंत हिंदू राष्ट्रवादियों की यह दिली तमन्ना पूरी हो गई। आजादी तो बाद उच्च जाति हिंदू वर्ग की अजारी दाना चड़तल ते चौधर हेठ स्थापित हुई
नेशन स्टेट हकीकत विच बहुगिनती वर्ग की क्रूर तानाशाही है। घट गिनती धार्मिक भाईचारिया स्टेट ते बहुगिनती भाईचारा दोवां दी रलमी धक्केशाही अते दोवां दी इक दूजे नाल गलगड होई विचारधारा का सामना करना पै रहा है। अंदरूनी समाजिक ते विचारधारक विरोधताइयां। इको समाज दे अंदर कौम अते कौम प्रस्ती बारे अलग अलग वर्गां दी समझ ते नजरिया अलग अलग हुंदा है। हर जगह हर समाज अंदर ही राष्ट्रवाद की लड़ाई दोनों अंदरले ते बाहरले मोर्चियां ते नालों नाल लड़ी जाती है। बाहरले मोर्चे ते लड़ी जा रही लड़ाई अंदरूनी कशमकश नालों निखड़ी नहीं हुंदी। जिथे एक पासे गैरां कोलों सत्ता खोहण दा राजसी एजेंडा दरपेश हुंदा है, दूजे पासे इस सत्ता दी सारे वर्गां अंदर सामी वंड दा मुद्दा हुंदा है। आम नियम वजों ही समाजिक तौर ते भारू वर्गां वल्लों लड़ाई दे बारी पक्ष उत्ते एक पासड़ ते वधवां जोर दिता जांदा है अते अंदरूनी आर्थिक समाजी पाड़ियां ते विरोधां उत्ते मिट्टी पाउण दे जतन कीते जांदे हन। आधुनिक राष्ट्रवाद दे प्रसंग अंदर हर समाज अंदर ही संघर्ष दे अहम मुद्दे अंदरूनी हुंदे हन जिहड़े कि उस समाज दे विकास दे विशेष रूप द्वारा निर्धारित हुंदे हन। इस तों ही राष्ट्रवादी लहर दा मूल चरित्र पछाणिया जा सकता है अते इस दी समुची अमल गति दी समझ पै सकदी है। बस्तीवादी काल दौरान भारतीय उपमहाद्वीपां दी सभ्याचारक वनसवन्नता दी गल तां आम कीती जांदी रही, पर इह तथ मन्नण तों इनकार कीता जांदा रहा कि यूरपी उपमहाद्वीप वांगू ही भारती उपमहाद्वीप भी आपो अपनी विलखण पछाण रखदियां अते निश्चित भूमंडलां विच जन्मियां विसरियां वख-वख कौमां जां कौमियतां दी देश भूमि है। बहुत ही आम जिहे अर्थां विच इस नूं वख-वख धर्मां बोलियां ते सभ्याचारां दी धरती कहा जांदा है। बाहर मुखी यथार्थ तों दोनों ही बस्तीवादी ते सुदेशी कुलीन वर्ग आपो अपने ढंग नाल मुनकर हुंदे रहे। दोनां ने आपो अपने कारण ते मुफाद सन। बस्तीवाद ने भारत अंदर अलग अलग कौमियता दे स्वतंत्र विकास दे अमल नूं ढा लई सी। एक रूप ते सर्ब हिंद प्रबंधकी ढांचे ने इस अमल नूं ग्रहण ला दिता सी। दूजे पासे सुदेशी कुलीन वर्ग भी अपनी समाजी चौधर हस्ती बनाई रखण अते राजसी गलबे नूं यकीनी बनाउण लई भारत दी सभ्याचारक वन संबंधता दे तत नूं उभारन तों टलदे रहे। इस वजह करके इस घाटेबंदी स्थिति विच नस्ली सभ्याचारक ते भाषाई राष्ट्रवादी विचारधारा दा प्रगटावा कमजोर रूप विच अते असिद्धे ढंगां नाल ही हो सकिया। खेतरी राष्ट्रवादी आवाजां उठियां जरूर, पर इक तां इह खेतरी लहरां काफ़ी पछड़ गईयां सन। सर्ब हिंद उच्च जाति राष्ट्रवाद ने उदों तक पिड़ पूरी तरह मल लिया होया सी। दूजा इह लहरां उपमहाद्वीपां दी समुची समाजी राजसी अमल गति विच निगूणी हैसियत रखदियां सन। इस करके इन्हां लहरां नूं घट ही गौलिया गया। बस्तीवादी दौर अंदर राजसी जागृति दियां इह खेतरी तरंगां अते इन्हां दे राष्ट्रवादी पैगाम बहुता पसार ना कर सके अते ना ही बहुती देर तक टिके रह सके। सर्व भारती राष्ट्रवाद दे जोरवार प्रवचन जेड़ा अपने ताने बाने ते विचारधारा पक्खों सर्व भारती सी ने खेतरी राष्ट्रवाद दे वर्तारे दे पैर ना लगन दिते। इस नूं सौड़े खेतरवाद दा कुना दे के बदू कीता गया। भारती समाज अंदरले दबे कुचले वर्ग ब्राह्मणी समाजी प्रबंध नूं तहस नहस करना चाहुंदे सन, जदों कि स्वर्ण जातियां इस नूं उदार पछमी श्रेणियां दे जरिए राष्ट्रवादी विचारधारा दा नवां जामा
ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਚੋਲੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਗੀਰੂ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਖਿੰਡੇ ਬਿਸਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ੋਰਵਾਰ ਧਾਰਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਹਿੰਦੀ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋੜ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਕੌਣ ਸਨ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 55 ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।